नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बने छोटे से नन्हे से प्यारे से बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की बड़ी खबरें। ये है देश का मिजाज। आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आक्रामक तरीके से काम करने की शैली के कारण वह लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मोदी को दूसरी बार सत्ता में आए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनकी लोकप्रियता देश के अन्य दिग्गज नेताओं से काफी आगे निकल गई है। न्यूज चैनल आज तक और कार्वी इनसाइट ने अपने सर्वे में पाया कि नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उन्होंने इस रेस में इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है। मोदी 37% वोट के साथ काफी आगे चले गए हैं, जबकि आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दूसरे स्थान पर है और उनके खाते में महज 14% वोट पड़े हैं। आज तक और कार्वी इनसाइड ने इस सर्वे के लिए 12,126 लोगों के साक्षात्कार किया है, जिसमें 67% साक्षात्कार ग्रामीण और 33% शहरी लोग इसमें शामिल थे। ये सर्वे 19 राज्यों में और 97 संसदीय क्षेत्रों और 194 विधानसभाओं को मिलाकर इसमें शामिल किया गया था। अगली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ने जताया भरोसा, कश्मीरियों के लिए फायदेमंद होगा अनुच्छेद 370 का हटना। 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। देश के नाम इस संबोधन में राष्ट्रपति ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि जम्मू कश्मीर से हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 वहां के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी सहायता के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सामर्थ्य उन्हें उपलब्ध करा रही है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोगों के जनादेश में उनकी आकांक्षाएं साफ दिखाई देती हैं। इन आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार अपनी भूमिका निभाती है। मेरा मानना है कि 130 करोड़ भारतवासी अपने कौशल, प्रतिभा, उद्यम और इनोवेशन के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर विकास के और अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, इमरान खान ने जताया डर, अब पाक अधिकृत कश्मीर में होगा मोदी सरकार का एक्शन। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इमरान खान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की विधानसभा में पहुंचे। एक बार फिर उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया और भारत के खिलाफ बोले। यहां सदन को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने कश्मीर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सच को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ कश्मीर पर रुकने वाले नहीं हैं, हमें रिपोर्ट्स मिली है कि ये पीओके में भी आ सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि लेकिन हमारी सेना तैयार है और अगर कुछ हुआ तो हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, जिस तरह उन्होंने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था। अब ये पाक अधिकृत कश्मीर की ओर आ सकते हैं। इमरान खान ने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बनते हैं तो इसके लिए दुनिया जिम्मेवार होगी और संयुक्त राष्ट्र जिम्मेवार होगा। इमरान खान ने यहाँ कहा कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मसले को दुनिया के हर फोरम पर ले जाएगा, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाएंगे। आने वाले समय में लंदन में इसको लेकर बड़ी रैली भी निकलेंगी। वहीं अभी संयुक्त राष्ट्र की महासभा चलेगी, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपने मन की बात और मांगे के देश से सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के जश्न के बाद देश की जनता को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए संबोधित करेंगे। इस महीने की 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।
इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, भारतीयों द्वारा किए गए असाधारण कार्य का जानने के लिए मन की बात शानदार मंच है। अब 25 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम का अगला एपिसोड प्रसारित होगा। इसके लिए सभी भारतीय नमो ऐप पर अपने विचार साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि इस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर और पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया था। पिछली बार पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल नीति, अमरनाथ यात्रा, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग और विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्विज कंपटीशन समेत कई मुद्दों का जिक्र किया था। जल नीति पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जल संरक्षण का विषय देश के लोगों के दिल को छूने वाला है। जल संरक्षण के लिए सरकार और कई एनजीओ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सैमसंग ने नई गैलेक्सी नोट 10 प्लस निकाला। इस दिन होंगे भारत में ये लॉन्च। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और गैलेक्सी नोट 10 प्लस को भारत में आधिकारिक तौर पर 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट का आयोजन सैमसंग ओपेरा हाउस बेंगलुरु में किया जाएगा। इवेंट की शुरुआत 12 बजे दोपहर को होगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर की जा सकती है। कंपनी ने ग्लोबल लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही गैलेक्सी नोट 10 और गैलेक्सी नोट 10 प्लस की कीमत और उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी दे दी थी। इसकी सेल भारत में 23 अगस्त से शुरू हो जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की कीमत भारत में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के लिए 69,999 रुपये रखी गई है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के बेस वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज की कीमत 79,999 रुपये रखी गई है। फिलहाल 12GB प्लस 512GB वेरिएंट की कीमत का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। उम्मीद है कि इसकी कीमत का खुलासा 20 अगस्त के इवेंट के दौरान ही कर दिया जाएगा। अभिनंदन को वीर चक्र मिलने पर भड़के पाकिस्तानी, ट्विटर पर उन्होंने उगला अपना जहर। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को भारत सरकार का वीर चक्र देने का फैसला किया गया है, जो आज दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है और वे अभिनंदन के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपना जहर उगलने में वे लगे हुए हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोग अभिनंदन को सोशल मीडिया पर भला बुरा और कायर कहते हुए वीर चक्र देने के फैसले का मजाक उड़ाने लगे हैं। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानियों की बेबसी साफ तौर पर नजर आ रही थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में आतंकियों के कैंप को बर्बाद कर दिया था। 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए MiG-21 वाइस फाइटर जेट से पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करके उसे मार गिराया था। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे विमान से निकल गए थे। उसके बाद वो POK में फंस गए थे। पाकिस्तान के कैद में रहकर अभिनंदन ने हर तरह का टॉर्चर झेला, लेकिन दुश्मन को अपने बारे में तनिक भी जानकारी नहीं दी। परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर लाल किले पर पहली बार चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से लेंस कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली पुलिस लाल किले की सुरक्षा के लिए चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर से लेंस कैमरों का पहली बार इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के तहत ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने के फैसले और पाकिस्तान के साथ तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके तहत स्वाट कमांडो और NSG स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई है।
सेना, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के 20,000 जवानों को इसमें तैनात किया गया है।